हमारी डिस्कशन होगी। कल हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था और उसके हवाले से डिस्कशन की थी। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली पेपर में आ रहा है आपके। ठीक है, पिछले साल भी आया था, ठीक है, और इस साल नहीं आ सका, उससे पिछले साल भी आया था। अच्छा जी, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रिंटर? ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहला मेथड है इसका क्या है जी, व्हाट इज प्रिंटर? डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कि प्रिंटर क्या होता है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करें, बयान करें। ठीक है जी। उसके बाद प्रिंटर को देखें जरा। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है दैट प्रिंट्स करेक्टर, जो के प्रिंट करती है करेक्टर, सिंबल्स एंड ग्राफिक ऑन पेपर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट करती है करेक्टर्स को, सिंबल्स को और ग्राफिक को पेपर पर। द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड आउटपुट होगी, प्रिंटर का जो रिजल्ट होगा, जिस पेपर के ऊपर वो निकलेगा, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। बेसिकली बेसिकली जो आपके पास पेपर होगा ना, कागज का टुकड़ा पेपर, वो आपके पास हार्ड कॉपी कहलाता है, प्रिंटेड फॉर्म। प्रिंटेड रेजोल्यूशन इज कॉमनली मेजर्ड इन डीपीआई, कि जो प्रिंटेड रेजोल्यूशन है उसकी क्वालिटी है वो मेजर की जाती है, मापी जाती है डीपीआई डॉट पर इंच के जरिए। प्रिंटर्स विद हायर डीपीआई प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट। प्रिंटर्स विद हायर डीपीआई प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट। जो प्रिंटर जिनकी डीपीआई ज्यादा होती है, उनकी क्वालिटी आउटपुट भी ज्यादा होती है। रिपीट कर रहा हूँ जी इस डेफिनेशन को। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट करेक्टर, सिंबल एंड ग्राफिक ऑन पेपर। द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड आउटपुट है वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। प्रिंटेड रेजोल्यूशन इज कॉमनली मेजर्ड इन डीपीआई। जो रेजोल्यूशन होगा प्रिंटेड वो डीपीआई कहलाएगा। द प्रिंटर विद हायर डीपीआई प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट, और उसके जरिए जो आउटपुट है वो बड़ी हाई क्वालिटी की निकलेगी अगर डीपीआई भी हायर होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रिंटर।
कि बेसिकली जो प्रिंटर्स हैं इनकी जो मेजर टाइप्स हैं वो दो हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं इंटेक्ट प्रिंटर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन इंटेक्ट प्रिंटर। अब जो हमारे पास इंटेक्ट प्रिंटर है, जो इंपैक्ट प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर वर्क लाइक अ टाइपराइटर, जो इंपैक्ट प्रिंटर है ये टाइपराइटर की तरह काम करता है। इट प्रिंट्स कैरेक्टर और इमेज बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और सेट ऑफ पिन अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन। इसका क्या मतलब है कि आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा जिसके ऊपर आप टाइपिंग करते थे पहले जमाने के लोग, अभी भी शायद अदालतों में और कचहरियों में अक्सर वो टाइपराइटर मौजूद होते हैं, वो जिनकी वो एक साइड से कागज डालते हैं वो टाइप करके दूसरी साइड से उसको निकाल देते हैं। ये करता क्या है इंपैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंट करता है करेक्टर्स को और इमेज को, लेकिन कैसे, बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर। के स्ट्राइक कहते हैं मारना किसी चीज को और हैमर कहते हैं हथौड़ा टाइप, कि वो छोटी छोटी पिन्स होती हैं, एक के ऊपर ए लिखा होगा, दूसरी पे बी लिखा होगा, तीसरी पे सी लिखा होगा, वो ए टू जी आपके पास हैमर्स होंगे, तो जो बटन दबाएगा उस वो हैमर जाके उस जगह पर लगेगा, स्ट्राइक करेगा और वो इमेज या करेक्टर प्रिंट हो जाएगी। और सेट ऑफ पिन अगेंस्ट इंक्ड रिबन, और ये हैमर जाकर पहले इंक्ड रिबन पर लगेगा, वो इंक्ड रिबन पेज के ऊपर करेक्टर या इमेज को ड्रॉ कर देगा, जोन सा हैमर उस जगह पर जाकर लगेगा। इंपैक्ट प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी, ये सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, विच आर स्टिल प्रोड्यूस्ड, लेकिन अभी तक ये प्रोडक्शन कर रही है। द इंपैक्ट प्रिंटर आर यूज्ड वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। इंपैक्ट प्रिंटर आर यूज्ड वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। इंपैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं जब लो कॉस्ट प्रिंटिंग इस्तेमाल हो। थ्री मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर आर फॉलो। इंपैक्ट प्रिंटर की तीन मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर। इसके बाद है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। A non-impact printer print characters and graphic on paper without striking paper. कि जो non-impact printers हैं वो graphics को print करते हैं paper पर लेकिन बगैर strike किए। Impact printer तो striking करता था ना, ये without striking है। Some printer use spray ink while other use heat and pressure to create image. अब इसमें दो methodologies हैं, एक तो है कि spray ink के जरिए print करे, second क्या है heat और powder के जरिए या pressure के जरिए उसको print करे। These printers are faster than impact printers. ये जो printer हैं ये इंपैक्ट प्रिंटर से काफी फास्ट है। दे आर मोर कॉस्टली देन इंपैक्ट प्रिंटर, ये इंपैक्ट प्रिंटर से महंगे होते हैं।
they produce no noise during printing. इनकी प्रिंटिंग के दौरान कोई नॉइस नहीं होता. The print quality of non-impact printer is better than impact printer. जो प्रिंट क्वालिटी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ये बेहतर होती है इम्पैक्ट प्रिंटर. और इसकी आगे से तीन कैटेगरी हैं, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर. ठीक है, ये तीन कैटेगरी हैं, एक है लेजर प्रिंटर, एक इंजेक्ट प्रिंटर और एक थर्मल प्रिंटर. यहाँ तक कोई इशू जी किसी को? नो सर. अब नाम क्लियर है जी? यस सर. अब्दुल्ला, आपका नया एडमिशन हुआ आईसीएस में? अब्दुल्ला एडमिशन हुआ आपका जी? अब्दुल्ला आपका आईसीएस में? नहीं नहीं सर. हैं? यस सर. अच्छा जी, अच्छा जी नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट हमारे पास है वर्क. अब एक सवाल, दूसरा तरीका जो जिसके जरिए ये सवाल आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज इंपैक्ट प्रिंटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं और इनकी मुख्तलिफ टाइप बयान करें. अब इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन आपने जो ऊपर पढ़ी है वही डेफिनेशन आप इसकी कर लें और टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर पर आ जाए कि इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप क्या होती है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास क्या है? अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर. इट प्रोड्यूस प्रिंटेड इमेजेस when tiny pins on a print head sprite an ink ribbon. It produce printed images when tiny pin on a print head strikes an ink ribbon. When the ribbon presses against the paper, it creates dots that form करेक्टर एंड ग्राफिक. क्या मतलब है जी इसका? डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर जो प्रिंटर है ये एक इंपैक्ट प्रिंटर है. इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है प्रिंटेड इमेजेस को व्हेन, जब टिनी पिंस ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक एन इंक रिबन. जब छोटी टिनी पिने स्ट्राइक करती हैं इंक रिबन पर. व्हेन द रिबन प्रेसेस अगेंस्ट द पेपर, जब रिबन प्रेस होता है पेपर के मुकाबले में, इट क्रिएट्स डॉट्स दैट फ्रॉम करेक्टर एंड ग्राफ. और तब डॉट्स के जरिए करेक्टर बनता है या ग्राफिक बनता है. द प्रिंटेड हेड ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन कंटेन 9 to 24 पिन. और इसके अंदर जो पिन्स होती हैं वो 9 से 24 होती हैं. द नंबर ऑफ पिन डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चर एंड द प्रिंटिंग मॉडल.
जो नंबर ऑफ पिन है वो डिपेंड कर रही होती है मॉडल के ऊपर और प्रिंटर के ऊपर. A higher number of pins print more dots that produce higher quality. A higher number of pins print more dots that produce higher quality. जितने नंबर ऑफ पिंस ज्यादा होंगी उतने डॉट्स ज्यादा होंगे, जितने डॉट्स ज्यादा होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी. स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ करेक्टर प्रिंटेड इन द वन सेकंड. जो स्पीड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वो मेजर की जाती है करेक्टर इन वन सेकंड. एक सेकंड में वो कितने करेक्टर प्रिंट करवा सकता है ये स्पीड को मेजर किया जाता है. बस इसको यहां तक कर लें, पर सेकंड तक ही कर ले, ये सेकंड पैरे की पहली लाइन तक ये इनफ हो जाएगा इसको डिफाइन करने के लिए. अब सेकंड जो हमारे पास इसकी कैटेगरी है वो है डेजी व्हील प्रिंटर. अब डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर आपको ये राइट साइड पे बना हुआ व्हील नजर आ रहा होगा, ठीक है. अब इस व्हील के देखें हर एक पेडल के ऊपर एक करेक्टर लिखा हुआ है. जो भी आप करेक्टर प्रेस करते हैं प्रिंट करवाना चाहते हैं वो व्हील के वो व्हील का वो हिस्सा जाकर उसको प्रिंट करवा दें. डेजी व्हील प्रिंटर इज सिमिलर टू टाइपराइटर. टाइपराइटर होता है इट यूज अ प्रिंट व्हील. प्रिंट व्हील को इस्तेमाल द प्रिंट व्हील का प्रिंट व्हील का नाम डेजी व्हील है. Each petal of daisy wheel contain character. हर एक petal daisy wheel का character contain कर. हम motor rotation का wheel को rotate करती है. A hammer strike a petal of daisy. एक hammer ribbon के against काम करता है. यानी वो जो wheel है उसका जो उनसा हर एक petal है ये जो आपके सामने नजर आ रहा है जो भी आप दबाएंगे वो जाकर उसके ऊपर स्ट्राइक करेक्टर रीचेज द पोजीशन ऑन द पेपर. द डिजायर करेक्टर अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा द प्रिंट द करेक्टर ऑन द पेपर. और ये करेक्टर को प्रिंटर इज स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बट बेटर इन क्वालिटी. डेजी व्हील स्लो होता है क्वालिटी के अंदर ये. अच्छा जी, उसके बाद लाइन प्रिंटर. लाइन प्रिंटर हमारे पास क्या होता है. लाइन प्रिंटर इज अ फास्ट इंपैक्ट प्रिंटर. ये एक तेज इंपैक्ट प्रिंटर है. इट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एट अ टाइम. ये एक पूरी लाइन को एक वक्त में प्रिंट करता है. Its speed is measured in line per minute. LPM इसकी जो स्पीड होती है वो लाइन पर मिनट काउंट की जाती है क्योंकि ये एक वक्त में पूरी लाइन प्रिंट करता है. मैनी लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट 3000 लाइन पर मिनट. बहुत सारे इम्पैक्ट प्रिंटर 3000 लाइने एक मिनट में प्रिंट करते हैं. टू टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर आर बैंड प्रिंटर प्रिंटर. अब लाइन की भी आगे दो टाइप्स हैं बैंड प्रिंटर और चैन प्रिंटर. इट इज नॉर्मली यूज बाय मेन फ्रेम एंड माइक्रोकम. अमूमी तौर पर इनको मेन फ्रेम या माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं.
हमने इंपैक्ट प्रिंटर की तीन टाइप अभी डिस्कस की हैं। एक हमने पढ़ी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड हमने पढ़ी है डेजी लीफ प्रिंटर और थर्ड हमने पढ़ी है लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर जो हमारे पास है, इसकी जो स्पीड मेजर की जाती है एलपीएम में, लाइन पर मिनट मेजर की जाती है, ठीक है। और जो डेजी व्हील प्रिंटर है, ठीक है, ये हर एक करेक्टर व्हील के ऊपर आपके सामने जितना लिखा हुआ है, ये मैं अगर जूम भी कर रहा हूँ, ये आपके सामने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ई एफ जी एच आई यू के एल एम एन ओ, कि जो जिस आप जो अल्फाबेट दबाएंगे, ई दबाएंगे, एम दबाएंगे, ठीक है, वो जाकर प्रिंट जाके उसका अहमद जाकर लगेगा पेपर के ऊपर और जाके वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। और इसी तरह ही डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर, ये छोटी छोटी पिंस हैं ये जो सामने आपको नजर आ रही हैं, और ये करैक्टर को बनाती है। जिस तरह ये करैक्टर कौन सा बना हुआ है जी, ए बना हुआ है, ठीक है, ये ए करैक्टर बना हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, यानी कि ए करैक्टर को डिवेल्प कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये डॉट मैट्रिक्स इस तरीके से आपके पास काम करता है। हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था, स्टार्ट हमने लिया था जी आज प्रिंटर से, व्हाट इज प्रिंटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी हैं, फिर इंपैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन हमने देखी, और उसके बाद देखा कि इंपैक्ट प्रिंटर की तीन टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर। उसके बाद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को हमने देखा, फिर इसकी टाइप्स देखी, लेजर, इंजेक्ट और थर्मल। फिर उसके बाद हमने इंपैक्ट प्रिंटर की टाइप्स देखी जो तीन थी, उनको डिटेल से देखा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अभी जो हमने पढ़ी थी वो की थी इंपैक्ट प्रिंटर, और इसके बाद क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन इंपैक्ट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दे बेटा अदनान। नो सर। अदनान कोई सवाल? सर कोई क्वेश्चन नहीं है। अरीबा, खतीजा, नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। मियां अब्दुल्ला साहब, आपका कोई सवाल तो नहीं है? नहीं सर कोई नहीं है। चले ठीक हो। तो आज ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, ये आपने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको करना है, याद भी करना है। इसका मैटर मैं अभी ग्रुप में आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, और इसमें कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की, किसी लफ्ज की समझ ना आई हो तो मुझे आपने मैसेज कर देना है, और इसकी असाइनमेंट लास्टली सबमिट करवानी है आज सबसे। ये जो प्रिंटर वाला क्वेश्चन है, इसकी असाइनमेंट आज ग्रुप में हर हाल में आ जानी, ठीक है जी। ओके सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी अब्दुल्ला बताओ क्या क्वेश्चन है। सर मेरे जो लेक्चर मिस हुए हैं तो वो दोबारा मिल सकते हैं मुझे? आपके जो लेक्चर मिस हुए हैं वो आप कॉलेज आइएगा, यूएसबी लेकर वो आपको मिल जाएंगे, ठीक होगा। ओके अल्लाह। सर कॉलेज की छुट्टियां कब हो रही हैं? हैं कॉलेज की छुट्टियां कब हो रही हैं? ईद की? इंशाल्लाह आपको आज या कल ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा छुट्टियों का। ओके सर। सर ओपन कब तक हो रहे हैं? 15 अगस्त तक? हाँ जी एक्सपेक्टेड यही है, एक्सपेक्टेड यही है। सर सर जी आगे सर, ये YouTube चैनल कौन सा है कॉलेज का?